अगर आपके फेवरेट फूड को बैन कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? सुन के अजीब सा लग रहा है ना जी। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ मैं जिसमें इंडियन फूड जो बाहर की कंट्रियों में पूरी तरह से बैन है या फिर बैन की कैटेगरी में ही एक तरह से आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से फूड किन किन कंट्रीज में आउटसाइड इंडिया बैन है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद आपके जनरल नॉलेज में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के अंत में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। हेलो भाइयो, फैक्ट भाईयर और अफसोस भाईया, एक प्लेट थानी पूरी दे रहा। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोल गप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, वो चाय उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहां रुकता है। तभी तो यूएई में पान जिस पर चूना कथा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थकते, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली, इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है और ये बैन उन्होंने आज से नहीं सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि एनवायरनमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक और माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद पैक भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। चूँकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, फैक्ट भाई को ये समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। खैर, फैक्ट भाई तो सिर्फ यही कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके दो वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े।
पर पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकौड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो 2016 में पाकिस्तान ने टैंग डिस्ट्रिक्ट में पकौड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी, और लोग जितने इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहां पकौड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था, आपको क्या लगता है क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आलमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1, 2007 से। असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रियोएंटेरोसिस, गैस की प्रॉब्लम, सेप्सिस के साथ ही इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया, और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री फॉरेनहाइट से 165 डिग्री फॉरेनहाइट होता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है, और बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जीएसपीपीओ यानी प्रोपिलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। वो एक जहरीली गैस है, इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यूएसए वालों के लिए पॉस्चराइज बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई जैसा है। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है, और हमारे भारत में इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया, यूएस और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। जहां ये सवाल खड़ा होता है कि फिर हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? भांग के बैन ना होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, जिसके मुताबिक कैनबीज यानी नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा जिससे रस ना निकाला गया हो वो इंडिया में बैन है। और क्योंकि इसमें कैनबीज के सीड्स और उसके पत्तों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए भांग को इंडिया में ना तो इलीगल माना जाता है ना ही बैन। नंबर 6, सरसों का तेल। खाने को स्वादिष्ट बनाता है सरसों का तेल, बालों को घना और मजबूत बनाता है सरसों का तेल, टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर उसे सर की चम्पी और बदन की मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में नहीं चूकते। पर क्या आपको पता था सरसों का तेल EU, USA और कनाडा में खाना बैन है? वहाँ सरसों तेल पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का लेबल लगाकर ही बेचा जा सकता है। मतलब एक तरफ इंडिया में सरसों के तेल को सबसे बेहतर माना जाता है तो दूसरी तरफ विदेश में इसे सबसे बदतर। अब इसमें सही कौन और गलत कौन है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों तेल को खाने से बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड कंटेंट, जिसे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और बढ़ने के रिस्क के साथ दूसरी कई सारी बीमारियां होती हैं। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक परिणाम देखे गए, पर फैक्ट भाई आपको बता दे कि इंसानों पे ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है। यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंसानों पे इसका असर चूहों जैसा ही हो। इसलिए फैक्ट भाई कहेगा कि सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं ये भी लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सरसों के तेल में ऑन एन एवरेज 47% यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाएं तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, जीरा, पुदीना, हींग, कच्ची कैरी। सुन के ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पानी पूरी की पानी का चटकारा याद दिला रहा हूँ। एंड आई नो, मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पानी पूरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रही है, वहाँ लोग इससे वंचित हैं। पर आप इसे उनकी बदनसीबी समझो, उससे पहले ये तो जान लो कि आखिर वहाँ पानी पूरी को बैन क्यों किया गया है। दरअसल बात यह है कि वहाँ पानी पूरी में कॉलरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे अब तक 12 लोग बीमार भी हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 12 लोगों के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह पर ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में 1823 से
चलता आ रहा कॉलरा पैंडेमिक जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलाता है और 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग उसके शिकार हुए थे जिनमें से कॉलरा ने 500 लोगों की जान ले ली थी। अब आप बताओ जबान के स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए? नहीं ना, राइट? तो बस यही सोचकर वहाँ की मिनिस्ट्री ने इंडिया की फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड की इस लिस्ट में जितने भी फूड्स दूसरे देशों में बैन हुए हैं ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। इसलिए फैक्ट भाई आपसे यही कहेगा कि आप जब भी इनमें से कुछ खाओ तो सावधानी से, ताकि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते मेरे वीडियो देखते रहो। करते हैं आज के वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज की ये वीडियो में किस आइटम को आप छोड़ नहीं सकते और क्यों। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पूरी देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन कौन से फूड विदेशों में बैन हैं और उनका मूल कारण क्या है बैन होने का। इसमें क्योंकि मूल कारण भी बताए गए हैं कि किस वजह से कौन सा फूड किस कंट्री में बैन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।